ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज मार तहसील के रामगढ़िका पहुंचे, जहां पर 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया और कहा, हमारी सरकार ने 1 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई है और हमारा लगातार प्रयास यही है कि हर घर में बिजली पहुंचे। किसानों के फिटर अलग किए जा रहे हैं और उन्हें समुचित और समय से बिजली मिल सके। वहीं पुलवामा हमले पर सवाल पूछने पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, एकजुट हों और आतंकवाद को लेकर जो लड़ाई हम सब लोगों की, उसको हम मिलकर लड़ें। और इसमें कहीं सोशल मीडिया पर हमारी सेना के बारे में कोई टीका टिप्पणी करता है या पाकिस्तान के समर्थन में कोई टीका टिप्पणी करता है, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है, उसकी आस्था भारत में नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, कैसे देखा? सब सहयोगी हमारे साथ हैं और सब हम मिलकर नए भारत के लिए पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रचंड बहुमत से हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसके लिए सब संकल्पबद्ध। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि एक बार पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती हो या फिर अलगाववादी हो, बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा सरकार ने वापस ली है और 200% टैक्स भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है, जहां जो वस्तुएं वहां से यहां आती हैं। तो पाकिस्तान की नाकेबंदी हम कर रहे हैं, जो पहले काम हो जाने चाहिए थे वो अब हमारी सरकार कर रही है। पूर्व में बहुत लिबर्टी कांग्रेस की सरकार में इन सब लोगों को मिलती रही, अब पानी भी हम लोग बंद कर रहे हैं। और जो लोग भारत के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, सेना के साथ खड़े नहीं होंगे, उनके बारे में भी कठोरता से ये सरकार निर्णय लेगी।